सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था जीके क्वीज नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही उत्तर है 4 बार लागू हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राज्य में वो लगा था 1967 यानी 1967 में लगा था, जिस समय जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे और उस समय राज्यपाल कौन थे, तो संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे। दूसरा लगा था 1977 में लगा था यानी 1977 में लगा था, उस समय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हरिदेव जोशी थे और राज्यपाल कौन थे, तो वेदपाल त्यागी उस समय राज्यपाल थे। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो 1980 में लगा था, जिस समय भैरव सिंह शेखावत थे और राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। और चौथा और अंतिम जो लगा था वो 1992 में लगा था, उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे और परंतु जो राज्यपाल थे वो एम चिन्ना रेड्डी थे। क्लियर आपको? इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैं आपको क्लियर करूँगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 प्रश्न और भी सोल्व हों। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है, विधानमंडल का उच्चतम सदन क्या कहलाता है? विधानसभा, विधान परिषद या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? सोचिए उत्तर। तो उच्चतम जो सदन होता है वो विधान परिषद कहलाता है विधानमंडल का, तो विधान परिषद ऑप्शन बिल्कुल सही है। और विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 169 में मिलता है, याद रखिएगा अनुच्छेद आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है। और विधानसभा की बात की जाए तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो 170 में मिलता है। और वर्तमान में देश में 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने राज्यों में, 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे बढ़ते हैं हम। मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का बंटवारा करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने इच्छानुसार विभागों को बंटवारा कर जो सूची होता है वो राज्यपाल को सौंपता है। उसके बाद राज्यपाल इनको इनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है और जो मंत्री होते हैं वे अपने पद पर मुख्यमंत्री की इच्छा तक उस पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन थे वो? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या टीकाराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया, तो कौन थे वे? तो पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो टीकाराम पालीवाल बने थे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक पद पर कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है, राज्य में विधि का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो पिछली वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये बात बताई थी आपको, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो इसका उत्तर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, राज्य में विधि का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो राज्य का महाधिवक्ता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, जिसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। और ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार व वकील होता है। और पूछा जाए वर्तमान में राज्य का महाधिवक्ता कौन है या इस पद पर कौन है, तो महेंद्र सिंह सिंघवी इस पद पर वर्तमान में है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रदेश में राज्य महिला आयोग कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में राज्य का महिला आयोग स्थित है। और 23 अप्रैल 1999 यानी 1999 को राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा में महिला अधिनियम के तहत राज्य महिला आयोग की शुरुआत की थी, जो 15 मई 1999 को अस्तित्व में आया था।
तो ये सभी जो एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं आपके लिए राज्य व्यवस्था की, ये आपके जो पटवारी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी राज्य व्यवस्था की सीरीज़ बने उस उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न है आपके लिए, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? उत्तर सोचिए, बड़े ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर होगा, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जो उच्चतम स्तर होता है वो जिला परिषद होता है। आगे बढ़ते हैं हम, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार माना जाता है, किन्हें पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार माना जा रहा है? उत्तर है, भगवती चरण को पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार माना जाता है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उप सरपंच, क्योंकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंचों में से सरपंच व वार्ड पंचों की जो आपसी सहमति होती है उससे किया जाता है, जिस कारण उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे चलते हैं हम, प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उत्तर सोचिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की देन है, और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो मॉडल है वो महात्मा गांधी की कल्पना राम राज्य पर आधारित है, और पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी की जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत का मेरा एक सपना उस पर आधारित है। क्लियर आपको? इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स है वो आपको मैं बताता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, और सही उत्तर जो है वो है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था का जो पिता माना जाता है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है, और इन्हीं की समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम, परिवर्तित पुनर्गठित संशोधित पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो उत्तर होगा इसका नरसिम्हा राय को इसका जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये पंचायती राज व्यवस्था में जो ये परिवर्तन पुनर्गठन व जो संशोधन हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था, और किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो नाथूलाल मिर्धा समिति के सिफारिश पर यह संशोधन हुआ था, और जनक किसे कहा गया? नरसिम्हा राव को कहा गया था। आगे चलते हैं हम, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय सम्मिलित है? तो 29 विषय सम्मिलित है, तो ऑप्शन यहां पर हम ए बिल्कुल सही करेंगे, और यह राज्य सूची का विषय है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को होता है। आगे चलते हैं हम, पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और पंचायत सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो इनको जो शपथ दिलाने का अधिकार होता है वो पीठासीन अधिकारी को होता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हम आप चाहते हैं इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करें तो वीडियो में यस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।